अच्छा ध्यान भैया, सब भोजपुरिया भाई के हमारा तरफ से हार्दिक नमस्कार बा। हम टी सीरीज के माध्यम से रवा सबके सेवा में भगवान श्री कृष्ण के विवाह के प्रसंग सुनावतने सुने गुने बुझे आशीर्वाद देव। एकरा पहले एगो भक्ति भजन सुनी। भक्ति भाव से जे बन जाला, भक्ति भाव से जे बन जाला, प्रभु के परम पुजारी ओ करनैया भवसागर से पार करी बनवारी। कैसे बसा भैया? कि तू नसी न सहलान बाबा दास कबीरा मीरा सहिरे गैली चढ़ली जवानिया के पीरा चढ़ली जवानिया के पीरा मीरा सहिरे गैली। शरीर गला दिली भगवान के भजन में असली रतन पवली राम नाम हीरा मीरा सही रे गई।
से भाव भैया थोड़ा गौर से सुने। राम मन राम तना, राम जी हमारी धन, मीरा के भक्ति भाव बड़ा तगड़ा रहे। राम मन राम तना, राम जी हमार धन, राम नाम गावती रहली लेके मजीरा, मीरा सहिरे गईली। मीरा सहिरे गईली, चढ़ली जा वनिया के पीरा, मीरा सहिरे गईली। अवध बिहारी, अवध बिहारी, रोम रोम में बसली रहले राम राघुबीरा, मीरा सहिरे गई। सहिरे गईली, चढ़ली जा वनिया के पीरा, मीरा सहिरे गईली।
गावे रामा शंकर खासा बाबा शिव पुरी जी पासा गावे रामा शंकरी खासा बाबा शिव पुरी जी चली सुख सागर से भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा सुनी बड़ा रोचकदार दर्दनाक आ मंगलमय कथा बा गौर कर देश विदर्भ के भीष्म के राजा सूरवीर बलवान सुनो पांच पुत्र एक अति पुत्री रुक्मिणी जिनकर नाम सुनो विदर्भ देश के राजा भीष्मक पांच बेटा सबसे छोट बेटी बड़ा तपस्या से रुक्मिणी जी का जन्म हुए रहे बसा भैया देश विदेश के विप्र बुलाए देश विदेश के विप्र बुलाए राजा जी महान सुनो परम कन्या के हाथ दिखाए सुख सागर परमान सुनो लय खर गावला पर बुझा जाई पांच गो लड़का पसे बड़ा तपस्या कैला पर अरे भीष्मा के एगो लड़की भैली जेकर नाम रुक्मिणी प्रताप ए बाबूजा पांच गो ललनवा पर से खैर लय बुझा जात हो पांच गो ललनवा पर से भैली बबुनिया हे हसतारे राजा भीष्मक हसतारे राजा भीष्मक खुशी बाड़ी रनिया हे हसतारे राजा भीष्मक खुशी बाड़ी रनिया हे भीष्मक राजा दूर दूर के संत महात्मा के बुलावत रहे कैसे दूर दूर के ऋषि के बुलावले
आशा दुर्गा हो काली जसा चमके बदनिया हे दुर्गा हो काली जसा चमके बदनिया हे खुशी वाले राजा देखो घरवा में रनिया हे खुशी वाले खुशी वालन राजा देखा घरवा में रनिया हे बड़ा सुंदर बात पा भैया राजा के लड़की के नाम ऋषि महर्षि लो रुक्मिणी रख दहल दीने दीने लड़की सियान होतरी आवरी चमक बढ़ता कैसे भाव हो बीत लागल दिन पे दिनवा भैली रुक्मिणी सियानी चम चम चमके लागल बबुनी के रूप जैसे गंगा के पानी भीष्मक के दरबार में अइले नारद बीड़ा बजावत ज्ञानी पाम पखार के भीष्मक राजा बोले ले मधुरे बानी नारायण 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 करते नारद भगवान भीष्मक के दरबार में आ गिले राजा पांव पखार के सिंहासन पर बैठा देले तब तक रानी महल से बाहर अवतरी बाबा के चरण छू के प्रणाम करतरी आ कहतरी कि चली बाबा आंगन में आसन लगल बा रानी अपना स्नेह प्रेम से बाबा के आंगन में ले जाके बैठावतरी का कहतरी आई आई बाबा जी बैठी मोर आंगना हाथावा के रेखा देखी बाबा मुसु कैनी हाथावा के रेखा देखी बाबा मुसु कैनी ब्याह लिखल कृष्ण जी के साथ है कृष्ण जी के साथ है आहे ब्याह लिखल कृष्ण जी के साथ है ए भैया देखी गौर करी नारद जी कहने के लड़की की शादी भगवान कृष्ण के हाथे लिखता उन्हें से लगन जागता दीने दीने लड़की सियान होतरी ए भैया लड़की दीने दीने सियान होतरी एक दिन के बात हो राजा के दरबार लागल बाटे कैसे मास्टर तनी बजे बहु नारद जी भीष्मक राजा के दरबार में सारा बात बतला के खड़ाऊ के बटम दबौले बाबा जाके नारद जी जय जयकार के ले बड़े कृष्ण भगवान की कृष्ण भगवान निज आसन पर नारद जी के बैठौनी कहने के हो भाग्य बाबा कैसे कैसे रल पौरा गई नारद जी कहने की भीष्मक राजा के बड़ा सुंदर लड़की भेल बड़ी रूप के वर्णन करे लायक नहीं खे आ उनकर लगन रौरे से लिखता कृष्ण भगवान के ने चिंता हो गई बाटे आ उन्हें रुक्मिणी के भी चिंता हो गई नारद जी के बात दिल में धललस लगली सुबह शाम दुनू बेरा गौरी माता के पूजा करे के हे गौरी माँ हमार विवाह भगवान कृष्ण से होके के चाहिए ए भाई एगो लय पहले इकलर हल
फेंक दिले थरिया बलम गेले झरिया पहुँचल कि ना उठे हिया में लहरिया। आ एक जानी आवरी का कहली तनी से लय हो। अरे फेंक दिले गागारा फेंक दिले गागारा बलमुआ गईले आगरा पहुँचले ननदी करती झागरा पहुँचले कि ना ननदी करती झागरा पहुँचले कि ना। इलाय हो लेकिन रुक्मिणी कैसे गौरी माता के पूजा करतरी आ का कहतरी। हाथावा के जोरी माई हाथावा के जोड़ी माई चुमिले चरानावा की मोहन जी से ना। आहे भैया हाथावा के जोड़ी मैया हाथावा के जोड़ी मैया चुमिले चरानावा की मोहन जी से ना। हमर जोड़ी हा लगानावा की मोहन जी से ना। सावली सुरतिया सोभे मोहनी मुरतिया जिया राम साल मोरा नारद के बतिया। ए बैना भाई कहतरी गौरी माता से सावली सुरतिया जेकर मोहनी मुरतिया जियारा में साल हमरा नारद के बतिया। गावे राम शंकर ए हला ए बैना धे गावे राम शंकर सुख सागर परमानवा की मोहन जी से नाम। गावे राम शंकर सुख सागर परमानवा की मोहन जी से नाम। हमर जोड़ी हो लगनवा की मोहन जी से गौरी माता के पूजा करतरी दीने दीने रुक्मिणी सयान होतरी। ए भैया कैसे भावा हो मास्टर। छोड़ी दो फिकिरिया सखी कृष्ण भगवान के चिंता में रुक्मिणी दिन पर दिन गलत तरी सुख तरी सखी लोका कहता समझावता बुझावता मनावता गोहरावता का कहता। छोड़ी द फिकिरिया सखी सुखता शरीरिया जनी बमरिया हो लैक मारवा। छोड़ द फिकिरिया सखी सुखता शरीरिया जनी बमरिया हो हसतावे नैहा रानगरिया आहा जनी बमरिया हो ख
सखिलो रुक्मिणी के समझावता कि पगला मत, देर बा अंधेर नहीं खे, आए ने आ जाई राजा के दरबार लागल बा कैसे हो। आ रुक्मिणी के विवाह करे खातिर राजा भीष्मक का तैयारी करते रहे। कहले राजन सभा बीच में एगो प्राण मोर बावे, ब्याह जोग भोईली रुक्मिणी कोई बर बतलावे। राजा कहले कि ब्याह जोग बेटी रुक्मिणी हो गईली, कोई बर बता दे हमरा बेटी जोग। तब बड़का लड़का उंगर पांचों भाई में सबसे बड़का के नाम रुक्मी रहे, वो कहले कि चंदेरी देश के राजा शिशुपाल बड़ा खानदानी होन हमार दोस्त होन, उ नहीं से रुक्मिणी के शादी हुई तो बड़ा अच्छा रही, तय हो जाओ। तब तक छोटका बेटा रुक्मेश कहले कि ना ना पिताजी, ई बात ना हो, बहिन के शादी भगवान कृष्ण से हुई। का भइल हो, कैसे मास्टर लय बाहो? अरे कृष्ण जी से जोड़ी लगता, अरे वो नहीं से होई है बियाह, मानी हमर बतियाए पिताजी। छोट बेटा कहते राजा के, मानी हमर बतियाए पिताजी, ई है बहुशाला हमारी मोर बतियाए पिताजी। छोट बेटा रुक्मेश कहले कि हे पिताजी, जदु वंश में देवकी पुत्र भगवान कृष्ण बढ़े, उन्हीं से पहिं रुक्मिणी के शादी हुई तो बड़ा अच्छा रहल हो, इहे निक जोड़ी लागता। त देखी भैया बड़ा सुंदर भाव बा, तले बड़का बेटा रुक्मी खिसिया गेले आकला छोटका पर थप्पड़ चला दे लगे, बुड़बक गमार कहीं का, वही अहिर ग्वाल भैंस के चरवाहा गाय के चरवाहा के बात करते रही, हमारा बही रुक्मिणी के साथ ही वो ग्वाला के साथ में हुई, ए वो गाय के चरवाहा के साथ में, ये कभी नहीं हो सकत, कभी ना होई, कभी ना होई, कभी ना होई। ए श्रोता भैया थोड़ा ध्यान दी, बड़का बेटा रुक्मी का कहले कि जबरदस्ती लगन पत्रिका चंदरी राज में शिशुपाल के यहाँ भेजवा दिले। राजा उदास बड़े, छोटको लड़का जनू करवाले राजा के, उहो चिंतित हो गए, अबरियारी के आगे सच्चाई का करिए भैया, जुग बाउर बा। यही पर एक विवाह के बात पर चुटकिला याद पर गेल के दू गो भाई रहे सो। अच्छा ए बैद्यनाथ भाई, दू गो भाई रहे सो आ एगो बही रहे, शादी करे के भइल तो बड़का कहता कि हम जाए लड़का जो है। अच्छा छोटका गलत की मारब तार गल पर हाथ में ले ले, सब काम लबर लबर तू ही रह लो, लड़का जो है हम जाए। तब बड़का भैया कहल कि तका हर जब तेज जो हो चाहे हम जो ही, बात एक भइल छोटका गई लड़का जो है बहनिया के, दू बीघा दूरी पर गई तो फिर घूम के आके बड़का से पूछा था कि भैया अच्छा लड़का जो हाला कोई सुन। तब बड़का कहल कि देख बुड़बक, लड़की रहे ले 10 साल के तो लड़का जो है जला 20 साल के। तो छोटका कहल कि चलो चलो नाद भर, ये हम देखी जानत, चल दल से लड़का जो है 1 किलोमीटर गए ले बसा भाई, फिर 1 किलोमीटर से घूम के घर आवता। अब बड़का भैया से राय लेता कि कहते नहीं कि भैया
लड़की रहले 10 साल के तो लड़का जो हला 20 साल के, अगर 20 साल के एगो ना मिले तो 10 साल के दू गो ना जो दे का भइल हो। बड़का लड़का लगन प्रतीका शिशुपाल के चंद्री राज में भेजवा दलस, उन्हें सगुन उठाता मंगल होता कैसे हो। ए शिशुपाल राजा के हरदी लगता, उन्हें माई बहन कैसे गावेली। सोने के कटोरिया में कंचा हरदिया, पाल की हाँ बरियारी लगन पत्रिका भेजवा दे बड़का बेटा रुक्मी, उन्हें मंगल होता शिशुपाल राजा के हरदी लगता, लेकिन देखी कैसे गड़बड़ी हुई। सोन के कटोरिया में कंचा हरदिया, नाउन आंगन वाली हले खाड़ हे, पनवा ऐसन दुल्हा पातर हो न, ऐसाना सुकावार हे, आहे फुलावा ऐसाना सुकावार हे, आहे फुलावा ऐसाना सुकावार हे, अब इन रुक्मिणी जी के चिंता हो गई बा देखी कमना बात के, कि देख तन की अभी यात्रा में खतरा होके जा रहा बा, सारा तपस्या कैल हमार बर्बाद होता। रुक्मिणी जी के एह बात के समाचार जब सुनाई, क्षण भर में चिंता से रुक्मिणी के मुहावा भैया झुराई। कीर्तन सम्राट माने श्री फागु पांडे जी के भाव हो, कैसे हो। चोरी चुपे रुक्मिणी जी एगो पाती लिखवावली, एक ब्राह्मण से चोरी चोरी कृष्ण के पास भेजवली। पाती लिखवा के कहले कि हे विप्र ब्राह्मण, कहीं भेद मत खोलियो, तू तीनों लोक मंगब तका हम दे दे, लेकिन पाती भगवान कृष्ण के लगे जान ले जाके दे आव, कैसे हो। सुख सागर में दोहा लिखल बा, विप्र कृपा मो पे करो बेग द्वारिका जाहू, विनय द्वारिका नाथ ते कपियति समझाहू। कैसे चिट्ठी लिखे भेतरी, अब भी ब्राह्मण पाती लेके कृष्ण भगवान के लगे जाते रहो। आए ने शिशुपाल एकदम दुल्हा ने बन गई, बड़े बरात ने आवे के तैयारी में बा, एक दिन पहले ही से सजावट होता बरात के, कैसे
आए ने पंडित जी पाती लगे पहुंचल बनी वहां द्वारिका में कृष्ण भगवान के लगे का भैलो आरे विप्र बाबा पहुंचल हो बालन अरे कृष्ण दरबार जो हतरी बटिया हो बबनी बहुत ताटे सुवाधार जो हतरी बटिया हो बबनी बहुत ताटे सुवाधार जो हतरी बटिया हे बबनी गौर करे पाती चल गए कृष्ण भगवान के लगे पंडित जी लगे नी कृष्ण भगवान पाती पढ़ के सेना साज के बलराम जी के सहित मैं दल बल के साथ खीस में आंख लाल लाल करके कृष्ण भगवान चलतनी ऐ रथ हाक दल बनी घोड़ा हना ना दफन बढ़ाओ घोड़ा बढ़ाओ हाँ हाँ आस्ते 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 पहुंच गए रुक जा हेउ हौ हौ कृष्ण भगवान दल बल साज के द्वारिकापुरी से आयने आ गेल बनी भीष्मक राजा के राज में आयने शिष्यपाल के बराती है आ रहल बा ए भाई होई देखी रंग में भंग होता बा साहब है कुंडिलपुर से आइल बानी बाबा कहल रहले जाके कुंडिलपुर से आइल बानी आउ है बात मान के कृष्ण जी दल बल साज के द्वारिका में आ गेल बनी द्वारिका से यहाँ आ गेल बनी आज के लेके बलराम सहित इहे भीष्मक यहाँ जुम गेल बड़े शिष्यपाल के भनक लाग गेल कैसे हो इन्हें भगवानो तैयारी मानी आ द्वार पूजा होता शिष्यपाल गच बड़े अब तो बिया हो द्वार पूजा होता बियाह बाकी रही कहो ए पंडित जी मंत्र पढ़तनी आ एगो पंडित जी संग फुकतनी या माई बहन कैसे मंगल का बतरी द्वार पूजा होता है कि लेहु ना भीष्म के राजा धोतिया हाथे पान के बीरा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुराज धाम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि ओम शांति ओम शांति सर्पुर गौरम करुराय तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सीरा बेटी नजानीतम तपीत जम्बू फल चारु भक्षणम उमासितम शोक विनाश कारकम नमामि मिगणेश्वर सीराया जुनावाई एने चिंता हो गई द्वार पूजा होता तब तक उन्हें कृष्ण भगवान दल बल साज के रथ लेके आइल बनी और रुक्मिणी जी खिड़की से झाँका तरी तब तक वह पंडित जी संदेश दे ले कि ना उ तो रथ लेके दल बल से आ गेल बड़े आ उहे झाँकत तरी खिड़की से आ भगवान कृष्ण जी रथ झमका दल बने आए हेओ हेओ चाल खींच आ रुक्मिणी जी बाह बढ़ौली भगवान कृष्ण बाह पकड़ के रथ पर बिठा के आ
द्वारिका में लेके चलतनी घोर लड़ाई भइल। 50,000 सेना सुषपाल से भगवान कृष्ण बलराम युद्ध कैले बनी आ दुल्हन लेके भागल बनी। सभावा के चूकल जैसे झोखे रे मारा दवा ढलली जमनिया झोखे अरे बेस्या हो लाचार ओइसे हो राजा शिशुपाल राजा झोखता रे। बड़ा बढ़िया भी रहिया लोग आवेला कैसे गावे राम शंकर भैया मन में विचार ओइसे हो राजा शिशुपाल भैया सोचत रे। ए चोखा खानी मुंह बना के शिशुपाल राजा बैठल बड़े मुड़ी गाल ले केहू केतनो तकाओ त लगी ताकत नहीं खो। सारा बराती केहू केहू मैं भागता केहू केहू मैं भागता केहू से केहू बसा भैया बोलत नहीं खे कि का समाचार वो खैल कि ना नाश्ता कैल कि ना। आने द्वारिका में कृष्ण भगवान डोला रथ सहित लेके पहुँचतनी आ विधि पूर्वक जब ब्याह होता कृष्ण भगवान के रुक्मिणी जी से। एजस लोग राजा भीष्म गैल बड़े द्वारिका में सारा विधि होता कृष्ण भगवान के रुक्मिणी से विवाह होता। एगो लय हो कैसे माई बहन गावेली हो संधि जी के गारी हो रिमी झिमी रिमी झिमी देव बरिसी गईले रिमी झिमी रिमी झिमी देव बरिसी गईले अब अंगना में लाग गईले काई रे कहता पानी भरे चल लीहो छिनरो है भीष्मक बहु टांगवा गईले बिछिलाई रे मन धीरे धीरे अब टांगवा का धावल धूपल ओइले आनंद बाबा धावल धूपल ओइले आनंद बाबा अब सहोरी के लिहाले उठाई रे मन धीरे नंद बाबा सहोर के उठावत रहे माई बहन गावेली कैसा बटोर के उठावत रहे आजर टोवेले पाजर टोवेले आजर टोवेले पाजर टोवेले अब कावा नागतरिया लागल चोट रे मन धीरे धीरे ए त का कहली ना चोट या जर ना चोट पा जर समधी के गाड़ी हो ए बाबूजान
ना छोटा आजर ना छोटा पाजर अब दूसरा जगहिया लागल चोट रे मन धीरे धीरे अब दूसरा जगहिया लागल चोट रे मन धीरे धीरे चली भैया भगवान कृष्ण के रुक्मिणी के साथ में द्वारिका में विवाह होता ए विवाह भेल सिंदूरदान भेल कोहबर भेल भगवान कृष्ण के आंगन में सोना के सिंहासन पर भोजन करावल जाता जेवनार होता ये लास्ट गाना बा विवाह के कि कामना दूलहिनियो के लामी लामी के सिया हो कावना दूलहिनियों के लामी लामी के सिया हो एक बात पर ख्याल करे श्रोता भैया भगवान कृष्ण के विवाह में मूस के यानी गणेश जी के विवाह लोग आवे ला लेकिन सुख सागर में लिखल नहीं खे आउटसाइड के बात हो काहे के कर पियावा बिसनिया हाय सिया राम के भजा रुक्मिणी दुलहिनियों के लामी लामी के सिया हो रुक्मिणी दुलहिनियों के लामी लामी के सिया हो अब तू नहीं के पियावा बिसनिया हाय सिया राम के भजा सिया राम के भजन